दोस्तों, कंप्यूटर साइंस क्या है, इसमें किस तरह के सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, इसका स्कोप क्या है, इसके जॉब्स किस तरह के होते हैं और इसके डिग्री के वर्थ क्या है, इन सारी चीज़ों पे आज हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि एंड में मैं हमेशा ग्राउंड रियलिटीज डिस्कस करता हूँ। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कंप्यूटर साइंस है क्या। एक्चुअली कंप्यूटर साइंस 4 ईयर का प्रोग्राम है, जो डिग्री है एक जो ऑफर करवाई गई है डिफरेंट यूनिवर्सिटीज की तरफ से, जिसके बाद हम ग्रेजुएट हो जाते हैं और हम कंप्यूटर में एक ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल कर लेते हैं। अब बात आती है कि इसमें एडमिशन लेने के लिए आपको रिक्वायर्ड डिग्री कौन सी ज़रूरी है। तो आप इसके लिए ICS, जिसमें आपके साथ फिजिक्स हो जाए अटैच, बेशक इकोनॉमिक्स अटैच हो जाए, लेकिन कंप्यूटर अटैच हो और मैथ अटैच हो। और दूसरी तरफ से आपके पास FSC प्री इंजीनियरिंग, जिसमें केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और आपके पास फिजिक्स अटैच होती है, ये होती हैं, ये तो सभी जानते हैं। खैर, मैं आपको एक मज़े की चीज़ बताता हूँ कि FSC मेडिकल के बाद भी आप कंप्यूटर साइंस कर सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि नहीं, ऐसा नहीं होता। नहीं, ऐसा होता है। आप IUB सर्च कीजिएगा, IUB एक यूनिवर्सिटी है बहावलपुर की, तो वो ऑफर करवाती है, आप उसमें BScS कर सकते हैं, बेशक आपने FSC मेडिकल ही क्यों नहीं की। और बहुत सी ऐसी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जिनमें आप बेशक FSC मेडिकल की है उसके बाद भी आप BScS कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। तो अब बात आती है कि BScS CS की डिग्री में सब्जेक्ट्स किस तरह के पढ़ाए जाते हैं। एक्चुअली CS की डिग्री जो है, ग्राउंड रियलिटी से हम एंड में डिस्कस करेंगे, पहले जो डॉक्यूमेंटेड चीज़ें हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो CS की जो डिग्री है उसमें जो सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं वो कोडिंग के सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, एल्गोरिदम्स के सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, कैलकुलस और मैथ के, लॉजिक्स के सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, और थोड़ा बहुत रिसर्च के और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के भी सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। लेकिन इनका ज़्यादातर फोकस जो होता है वो कोड पे, कोड्स की डिज़ाइन पे, कोड के स्ट्रक्चर पे, और इसके साथ साथ नए एल्गोरिदम्स बनाने पे और एल्गोरिदम्स पे होता है। तो अगर आप मैथ में अच्छे हैं और थोड़ा बहुत लॉजिकल चीज़ों में अच्छे हैं तो आपके लिए ये डिग्री प्रेफरेबल है। अब बात करते हैं कि इस डिग्री का स्कोप क्या है। तो कंप्यूटर साइंस हो, बेशक IT हो, बेशक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो, इनका स्कोप तो बहुत ज़्यादा है, मार्केट में इनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। लेकिन डिमांड एग्जिस्ट करती है आपकी स्किल्स पे, कि आपकी स्किल्स किस चीज़ में हैं, आपकी स्किल्स किस तरह की हैं। तो इनका स्कोप तो बहुत ज़्यादा है, आप हर जगह पर जा सकते हैं। अगर हम गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में तो हम गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं जा सकते, लेकिन अगर हम बात करें कंप्यूटर साइंस की तो इसमें हम गवर्नमेंट सेक्टर की बेशक 14 स्केल की जॉब हो, बेशक 16 स्केल्स की जॉब हो, बेशक 17 स्केल्स की जॉब हो, हम हर किसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो प्राइवेट सेक्टर में इतनी कंपनीज हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। तो स्कोप तो बहुत ज्यादा है, बाकी ग्राउंड रियलिटीज एंड में। अब इसकी बात करते हैं सैलरी पे, कि इसकी सैलरी कितनी होती है। अगर हम गवर्नमेंट जॉब्स की बात करें तो 60-70 आपकी स्टार्टर पैकेज होता है, और अगर हम प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो तकरीबन उधर भी इतना स्टार्टर पैकेज ही होता है। लेकिन अगर हम बात करें गवर्नमेंट में, तो गवर्नमेंट में आपकी पे बिल्कुल स्लोली बढ़ती है, लेकिन अगर प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो आप 2 साल में भी 2 लाख तक जा सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसके लिए यूनिवर्सिटीज़ कौन सी अच्छी हैं। तो यूनिवर्सिटीज़ तो मैंने बताया है, बहुत से लोग मुझसे डिसएग्री करते हैं कि स्किल्स ही इंपॉर्टेंट हैं, यूनिवर्सिटीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। एक्चुअली ये चीज़ गलत है। 20-30 सेकंड्स लिए जाते हैं आपकी CV देखने में। जब आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, आप डिफरेंट कंपनीज को CV सेंड करते हैं, ठीक है, वो आपकी CV देखते हैं और फिर आपको इंटरव्यू की कॉल करते हैं। अगर आपकी यूनिवर्सिटी सही बात है अच्छी नहीं होगी, आपको इंटरव्यू की कॉल तक नहीं आएगी, क्योंकि जब आप CV सेंड करते हैं तो 20-30 सेकंड देखते हैं। तो 20-30 सेकंड में कौन आपकी स्किल्स उन्होंने मेजर कर लेनी है, तो ऐसा नहीं होता। आपकी यूनिवर्सिटी देखते हैं, आपके क्वालिफिकेशन देखते हैं, और आपको मतलब कि इंटरव्यू की कॉल आ जाती है। तो ये ग्राउंड रियलिटी है, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी एक अच्छी होनी चाहिए। तो अब यूनिवर्सिटी अच्छी होनी चाहिए तो अच्छी कौन सी होनी चाहिए, तो इसके लिए मैंने सेपरेट से वीडियो बनाई थी, टॉप 10 यूनिवर्सिटीज इन पाकिस्तान फॉर CS, IIT और SE, तो आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है, आपके लिए बेनिफिट होगी वो वीडियो। और बहुत से लोगों को ये भी होता है कि इनमें डिफरेंस क्या है, यानी कि CS, IIT और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में फ़र्क क्या है, तो उसके लिए भी मैंने एक सेपरेट से वीडियो बनाई हुई है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दोनों वीडियोस का मिल जाएगा, तो वो दोनों वीडियोस भी आप देख लें। तो अब करते हैं ग्राउंड रियलिटीज़ की और थोड़ी जॉब्स की बात। एक्चुअली जो CS की डिग्री है ना, उसमें स्टूडेंट्स को इसलिए इस एबल बनाने की कोशिश की जाती है ताकि वो एल्गोरिदम्स डिज़ाइन करें।
लेट सपोज आपने देखा होगा कि फेस डिटेक्शन सिस्टम जो है वो एक एल्गोरिदम है, तो ये किसी कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट ने बनाया है। अब डेवलपर में और कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट में क्या फ़र्क होता है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जो डेवलपर है वो बनी बनाया एल्गोरिदम यूज़ करता है अपने एप्लीकेशन में। लेट सपोज आपने देखा होगा कि आपका फेस कैम है जिसमें आपका फेस डिटेक्ट हो जाता है, वो एल्गोरिदम आप एक कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट ने एक रिसर्चर ने बनाया है, लेकिन एक डेवलपर क्या करता है वो अपने एप्लीकेशन में यूज़ कर लेता है, चाहे वो कैम स्कैनर हो, चाहे वो कोई भी इमोजी वाली मतलब के कोई भी हो जिसमें आपके बिल्ली लग जाती है मुंह पे या ऐसा कुछ भी हो जाता है, तो वो फेस डिटेक्शन का जो सिस्टम है जो एक कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट ने बनाया है वो यूज कर रहा है। तो ये लोग सिस्टम बनाते हैं जो कि डिफरेंट जगह पे यूज होता है। तो अब बात करते हैं ग्राउंड रियलिटीज़ की कि पाकिस्तान में चीज़ें वर्क किस तरह से करती हैं। एक्चुअली पाकिस्तान में डेवलपमेंट पे ही काम होता है, यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट जैसी या गूगल जैसी इंडस्ट्री तो है नहीं कि रिसर्च करेंगे नई इंडस्ट्रीज़ पे, नई टेक्नोलॉजीज पे कोई चीज़ नया बनाएंगी। तो होता ये है यहाँ पे होता है ज़्यादा डेवलपमेंट का काम कि आप कोई भी स्किल सीखते हो एंड्रॉयड रिलेटेड या iOS रिलेटेड या वेब डिज़ाइनिंग के कोई भी स्किल सीखते हो और उसके बाद आप कंपनी में अप्लाई करते हो, कंपनी में जॉब होती है, आपको डिफरेंट एप्लीकेशन डिफरेंट चीज़ें आपने डिज़ाइन करनी होती हैं, ठीक है, और उनके बाद आपके प्रमोशन होती रहती है और थोड़ा बहुत आप मतलब हाई लेवल की सीट पे चले जाते हो। तो इस तरह से चीजें वर्क करती हैं पाकिस्तान में। लेकिन अगर आप बाहर अप्लाई करेंगे और बाहर की तरफ आपका माइंड है और अगर आप एमएस करते हैं उसके बाद रिसर्च फील्ड में आते हैं तो यह नहीं है कि पाकिस्तान में बिल्कुल ही रिसर्च नहीं होती। जो अच्छे लेवल अच्छे सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं जैसे कि नेटसोल है, अरबी सॉफ्ट है, इस तरह के जो सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं वो रिसर्च पे भी काम करते हैं, वो डिफरेंट टेक्नोलॉजीज को इन्वेंट करने पे भी काम करते हैं, तो वहां पे भी हो ही जाती है। तो एंड करते हैं इस वीडियो को, अपनी दुआ में याद रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। बस हमारी वीडियो को शेयर कर दें अपने उन तमाम दोस्तों से जो कि CS की इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तमाम व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो का लिंक शेयर कर दें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।